बेटा क्या चाहिए? लगता है बारिश आई है। लग तो नहीं रहा, खुला खुला आसमान लग रहा है। पर प्रिडिक्शन तो दे रखा है ना, थंडर स्टॉर्म का और इसका। हो सकता है, वो तो अब आएगी तभी पता चलेगा कि बारिश आ गई। पर मौसम क्लियर है, मेबी शायद पक्षी उड़ रहे हैं ना, बर्ड्स बारिश में उड़ते हैं। तो क्या क्या कर ले कैंपिंग फिर? धूप तो आ गई है। कर लो, जब तक करेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। अब कब तक ऐसे खड़े रहेंगे कि बारिश आएगी कि नहीं आएगी? कर लेते हैं यार, अच्छा लगता है। वेदर तो खुल गया है, धूप भी आ गया है, आसमान थोड़ा साफ साफ सा दिख रहा है, क्लाउड कम नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि बारिश होगी या नहीं। वैसे जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ आई थिंक बारिश अब पड़ने नहीं वाली है, तो हम लोग कैंपिंग कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की कैंपिंग। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, माई नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद मी। लगभग हमारा सेटअप हो गया है बैठने के लिए, गुड्डा के लिए फुल उसका सिंहासन हमने तैयार कर दिया ताकि वो एंजॉय कर सके अपना कार्टून। काफ़ी देर से वो पैदल चलते चलते परेशान हो रही थी, तो उसको रिलैक्स की ज़रूरत है। यू नो उसकी हैबिट बनी हुई है कि घर पे बेड पर लेटकर कार्टून देखने की, तो सेम एज इट इज़ वही वाला इसको फील देना है, फुल इंजॉय करिए वो। बाकी अभी चाय पीते हैं, देन फिर अपना टॉयलेट सेट करेंगे ताकि अपने को संडास की प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद अपना रूफटॉप टेंट ओपन करेंगे।
on the graves, in the cracks of a thousand leaves, somewhere in between our past and our future, rolling over all the dividing things. Cheers, beta. Are you still listening? Want to be heard by you? Slow fall into the Indian Sea, where the cold and the hot meet, and the powers that be. तो मैं यहाँ देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं। क्या हुआ भाई जी? अरे कोई नदी में छलांग मार दी। अच्छा तो मिला? तो अरे वहाँ कुछ दिख रहा है, दिख रहा है। हम चाह रहे कि कुछ कैमरा हमारे पास है नहीं कुछ पार। किस तरफ है मेरे को बताओ? जो वाला पड़नी है। हाँ हाँ, वो इससे थोड़ा इस साइड पे, इस साइड वो ना करो आप। देखो कुछ है तो सही भैया उसके ऊपर ना। हाँ हाँ, ये कुछ है तो सही है। तो वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है, जो लकड़ी है उसके ऊपर कुछ लग रहा है कि पड़ा हुआ है। तो मैं काम कर सकता हूँ, मेरे पास जो ड्रोन है ना, मैं ड्रोन फ्लाई करके देख सकता हूँ कि अपना ड्रोन अगर वहाँ तक जाता है तो देख लेते हैं। वैसे भी ड्रोन बहुत रिस्की मामले में उड़ रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर कुछ हेल्प हो पाएगी वो करते हैं हम लोग। लो जी, कर दिया एक और खर्चा आपके लिए। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि वॉइस अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है, दूर रखा रहता था माइक, तो ये लो जी उसकी भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अब करेंगे बढ़िया से व्लॉग शूट। तो ठीक है, कितनी देर चलती है भैया बैटरी? 6 से 7 घंटे। सही है फिर तो, मतलब हम लोग एक लंबा व्लॉग शूट कर सकते हैं अपना। 100 मीटर? 100 मीटर ये तो बहुत हो गया। 100 मीटर तो 50 मीटर। ठीक, वो 200 मीटर करते हैं, डीजे 250 ये 100 चलता है। 100 तो बहुत होता है, इतना तो लंबा जाना ही नहीं है। लो जी हो गया जी खर्चा आपका। अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही थी। ये भैया बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो रखे, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ओके, तो जब भी घर में कोई भी नई चीज़ आती है तो हमारे घर में होती है उसकी सबसे पहले पूजा, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो चाहे वो बहुत बड़ी चीज़ हो। आप जैसे कि देख ही रहे हो, फिलहाल अभी आवाज़ आ रही होगी बिल्कुल मस्त। चाहे कैमरा यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, चाहे इतनी दूर रखा हो या फिर इससे भी बहुत दूर रखा हो, अपनी आवाज़ अब प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड होने वाली है। तो काफ़ी सारे लोगों के ना कमेंट्स आ रहे थे जब हम लोग रोड ट्रिप के ऊपर थे। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बीच व्लॉग में। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे कि आवाज़ नहीं आ रही है, सैम भाई आपका कैमरा दूर रखा है तो वायरलेस माइक होना ज़रूरी था। अब मैं रोड ट्रिप पर तो निकल गया, वहाँ तो अरेंज कर नहीं सकता था, इसीलिए अपन अभी दिल्ली आ गए थे तो मैंने नया माइक ले लिया है। अभी देख रहा हूँ, इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है या फिर नहीं, और उसके बाद इसका ऑडियो लेवल मेरे को रिड्यूस करना है या अप करना है, वो मैं जब एडिटिंग करने बैठूंगा पता लग जाएगा। फिलहाल अभी गाड़ी को देख के भी आपको समझ आ रहा होगा पीछे हमारे इसके काम हो गया है, इसके पीछे का एरिया भी मैंने कवर करने के लिए ये कैनोपी वाला काम करा दिया है। अभी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने मॉडिफाइड की है कैनोपी के अंदर,
ये आपको रोड ट्रिप के अंदर दिखाऊंगा। एक अपने भैया है तनवीर, उनके सपोर्ट से ये कैनोपी वाला काम मैंने करा दिया है। बाकी अपनी इसुजू के अंदर हमारा सारा सामान लोड है। यहाँ पे अपना इन्वर्टर वगैरह भी हो गया, गुड्डा के खिलौने भी हो गए और बैक साइड एरिया में सारा सामान लोड भी है। बाकी अपनी इसुजू की पहली सर्विस होनी थी वो भी मैंने करा दी है, मतलब वापस आने के बाद ये मैंने दो तीन काम इसके अंदर करा दिए हैं, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे तो इसके अंदर मैसेज आने लग गया था सर्विस का, तो वो कराना बहुत ज़रूरी था टाइम से, तो मैंने वो भी करा दिया है। बाकी अंदर से बाहर से अपना ट्रक बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है और फुल लोडेड है, बस फ्रिज रखना है और हमें रोड ट्रिप पर निकलना है दोबारा से। अब दोबारा से हम लोग तो जा तो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में जा रहा है गुड्डा। है गुड्डा, जाओगे बेटा? ये तो बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए, और ऊपर से इसको टैनिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि अभी तक इसकी निकली नहीं है। हमें 4 दिन वापस हो गए आए हुए, और इस बार हमारे साथ में जा रही है मम्मी भी, तो मम्मी अभी डिनर कर रही है। डिनर करने के बाद हम लोग सीधा निकलेंगे रोड ट्रिप पे, और पूजा भी। तो दोबारा से का मतलब अब आप समझ रहे होंगे कि हम कैंपिंग कर रहे थे, कैंपिंग करेंगे तो हमने चाय पी और उसके बाद डिनर कुक करा था, लेकिन हम लोग सीधा घर पर दिख गए। मैं वापस क्यों आया कैंपिंग को छोड़ के, बेसिकली क्या हुआ कि जब हम लोग वहाँ कैंपिंग कर रहे थे, मतलब फुल मस्त माहौल बना हुआ था, बहुत बढ़िया था, लेकिन पूजा थोड़ी घबरा गई थी और वो उसके फेस पे आपको दिख रहा होगा, आपने नोटिस किया होगा पूरे व्लॉग के अंदर, तो वो घबराई हुई थी। जब हम लोगों ने सेटअप वेटअप कर लिया, चाय वाय पी, तब उसने बोला कि मेरे को ना अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, मैं कैंपिंग नहीं कर सकती, मुझे अभी घर वापस जाना है। अब हुआ क्या था, उससे पहले हम लोग वहाँ पहुँचने से पहले एक जगह पर रुके थे जहाँ पे हमने लंच वगैरह कुक किया था, फोटोग्राफ सारी होगी, तो यहाँ पे ना कुछ लोग डेड बॉडी ढूंढ रहे थे इस वाली लोकेशन पे, और बहुत सारे गांव वाले थे। मैंने ड्रोन भी फ्लाई किया था डेड बॉडी ढूंढने के लिए, तो पीछे की तरफ से रिवर जा रही थी, बीच में एक टापू सा बना हुआ था, तो वहाँ पे उन्हें कुछ पड़ा हुआ दिख रहा था, तो उन्होंने बोला कि शायद वही डेड बॉडी है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं था। तो वो कंफर्म करने के लिए मैंने अपना ड्रोन फ्लाई किया, लेके गया वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे मैंने उसको रोटेट करके घुमाया और अच्छे से चेक करके जब ड्रोन वापस मिलाया और दिखाया सबको, तो वो डेड बॉडी नहीं थी। तो काफ़ी सारे लोग थे, पूजा को चारों तरफ से घेर लिया था, तो पूजा उस चीज़ को देख के घबरा, तो मैं उसे वहाँ से आगे ले गया कैंपिंग करने के लिए। लेकिन एक वो होता है ना, जब बंदा फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस कर लेता है और वो लास्ट वर्ड सुन के, उन्होंने बोला कि लाश पड़ी हुई है, तो इस तरीके से पूजा ने जो वो वर्ड सुने तो वो घबरा गई, और उसके बाद उससे कंट्रोल नहीं हुआ, और उसने एंड मोमेंट में जब सेटअप वेटअप हो गया तो अंधेरा होते के साथ ही जब उसे डर लगा तो उसने बोल दिया कि मेरे को वापस घर जाना है। और जब यहाँ पर हम लोग वापस आ गए और एक दिन बाद मैंने बोला कि मैं आज वापस जा रहा हूँ अपना ट्रिप कंप्लीट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, मुझे एक्सप्लोर करना है, तो फिर वो मैडम, मैडम क्या बोल रहे हो, हाँ जरा बताओ कि क्या बोल रहे हो? हमें भी चलना है साथ। हाँ तो इस बार नहीं मिलेगी वो लाश पड़ी हुई, डेड बॉडी पड़ी हुई, बार बार थोड़ी ना मिलेगी लाश। सही है, सही है, बढ़िया है भैया, देख लो ऐसी होती है सिचुएशन। तो फिर उसके बाद मैं इन लोगों को सीधा घर लेके आ गया, और घर लेके आने के बाद एक दिन तो रेस्ट किया, आपको पता है जब ड्राइव करते हैं तो थक जाते हैं, तो उसके बाद फिर मैंने कैनोपी का काम कराया, सोचा था किचन का भी काम हो जाएगा, लेकिन अभी जो हमारे कारपेंटर भाई साहब है वो बिजी हैं, नेक्स्ट वीक तक फ्री होंगे, तो मैंने सोचा इस एक हफ्ते में ये फैमिली वाला ट्रिप कंप्लीट कर लेते हैं और साथ में मम्मी को भी ले चलते हैं, मम्मी को भी इस बार नेचर के मज़े दिला देते हैं। अब ये अकेली पड़ रही थी, अपने को तो हैबिट है, तो इस बार मम्मी साथ में रहेगी तो इन दोनों की हिम्मत बन जाएगी। तो फैमिली ट्रिप देखो जैसा होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब फर्स्ट टाइम कोई जाता है जंगल में और इस तरीके की चीज़ें देखता है, नेचर देखता है, तो उसको कैसे फील होता है, वो सारी रियलिटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हम लोग रात को दोबारा निकल रहे हैं उसी वाली लोकेशंस के लिए, मैंने बीच में दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि बहुत खूबसूरत प्लेस थी, मैं चाहता नहीं था कि वो जगह स्पॉइल हो जाए, तो इसीलिए हम लोग दोबारा उसी लोकेशन के लिए निकल रहे हैं विद फैमिली के साथ में। तो जो भी प्रॉब्लम आएगी जंगल में, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा होता है इन लोगों का, मुझे तो हैबिट है, तो मैं आपको कमिंग ब्लॉग में शेयर करूंगा, ताकि आप लोग भी अगर अपनी फैमिली के साथ प्लान कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम प्लान करें, किसी को फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हैं, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि इस बार का ट्रिप मेरा कम्प्लीट हो, नहीं तो अगर इन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो भैया वो तब का तब देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं सीधा अगले व्लॉग में रोड ट्रिप के साथ, टिल देन गुड बाय।
ये चार दिन का गैप मैंने इसीलिए दिया था क्योंकि मुझे पता है मैं पहले डालता तो आप लोग अपसेट हो जाते और कहीं ना कहीं मूड भी ख़राब होता, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अगर किसी की रोड ट्रिप ऐसे देख रहा हूँ और बीच में से ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद थोड़ा सा बुरा लगता है। तो मैंने चार दिन व्लॉग इसलिए नहीं डाला ताकि इससे अगला व्लॉग भी जो देखने को मिले वो आपको सीधा रोड ट्रिप का ही देखने के लिए मिले। और गुड न्यूज़, हमारा मैकबुक ठीक हो चुका है तो अपनी एडिटिंग अब बढ़िया वाली दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय। Thank you.